हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुभ शुभ बोलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप लोग मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और मुझसे इतना ही प्यार करेंगे। ओके, सो सबसे पहले रीडिंग जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से हमेशा पूछता रहता हूँ। तो आज का सवाल ये है कि आपका क्या प्लान है। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो कि आप लोगों का नवरात्रि में या पूजा में फेस्टिव सीजन का क्या प्लान है। इस फेस्टिव सीजन में आप दिवाली को भी इंक्लूड कर सकते हो, जो कि बाद में है बट स्टिल इंक्लूड कर सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट योर फेस्टिव एक्टिविटीज एंड योर प्लान्स। ओके, दुर्गा पूजा में या फिर नवरात्रि में कौन गरबा खेलने जाने वाला है, कौन दुर्गा पूजा में जाने वाला है पंडाल हॉपिंग्स के लिए। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्या क्या प्लान्स है, घूमना फिरना, क्या एंजॉयमेंट करने वाले हो, तो आज कमेंट्स में मुझे वो चीज़ बताइएगा। मेरा तो बहुत सारा प्लान्स है एंड डेफिनेटली वो सब मैं फुलफिल करूंगा एक के बाद एक, अगर हो सके तो मैं दिखाऊंगा। शॉर्ट्स आने वाला है तो शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे। सो ओके, बहुत हमने बोल दिया, अभी डायरेक्ट हम रीडिंग में चले जाते हैं। ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का रीडिंग्स इसीलिए लेके आता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट कितना पेनफुल सिचुएशन होता है। बहुत सारे लोग इस तरह का सिचुएशन में गुजरते हैं, उनके पार्टनर के साथ उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता, उनके मन में बहुत सारे ख्याल, बहुत सारा क्वेश्चंस आता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या हम दोनों के बीच में कुछ रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस है या नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने के चांसेस है या नहीं। कल का जो लव रीडिंग था वो एक तरह से नो कॉन्टैक्ट बेस्ड ही था, जो कि नो कॉन्टैक्ट नहीं था डायरेक्टली अनाउंसमेंट की तरह से, बट कार्ड के थ्रू वो वैसा स्टोरी आता गया, तो मैंने वो जैसा था वैसा ही मैंने दिखाया। तो आज स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट में आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रहता है। ओके, ये उसी लोगों को रेजोनेट कर सकता है जिनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या बंद है या ब्लॉक्ड है। ओके, हो सकता है पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, 60%, 70%, 50%, 40%, 30%, 80%, 90% तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर नहीं करता है, मेरे चैनल में बहुत सारा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है, आप लोग वो देख सकते हो। हो सकता है वो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, मुझे पता है आप लोगों ने सारे वीडियोस देख लिए, तो आप लोग वेट करते रहते हो नया वीडियोस का, या हम लोग फ्यूचर में भी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग लेके आएंगे, हो सकता है उस वो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर आज का तो कर ही सकता है। ओके, इन सम सिचुएशंस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो हम शफल शुरू करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले एनर्जी चेक इन, हम आपके पार्टनर का एनर्जी अभी चेक करने वाले हैं। ओके, जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी। ओके, वी हैव वाओ। ओके, सो कार्ड्स बोल देता हूं, द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। या ओके, सो बेसिकली आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो एक तरह से इट्स अ डेड एंड रिलेशनशिप। डेथ कार्ड का वही इंडिकेशन है कि रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो चुका है। आप दोनों के बीच में एक 360 डिग्री कुछ चेंज आया था। अब ये 360 डिग्री चेंज
शायद किसी के बिहेवियर में आया था या फिर सिचुएशन में आया था, वो पूरा घूम गया। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरह का एक आउटकम होगा, बट ऐसा कोई आउटकम हुआ, ओके, जिस वजह से आज ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। और डेथ कार्ड इज ऑल अबाउट रीबर्थ ऑल्सो, तो देयर माइट बी अ चांस ऑफ रीबर्थ, हम वो चेक करके देखेंगे। अब ये रीबर्थ आपके साथ हो सकता है या ये इंसान किसी नए इंसान के साथ नया कुछ शुरू करने का सोच रहे हैं, तो रीबर्थ किस एंगल से होगा वो हम आगे रीडिंग के थ्रू चेक करते जाएंगे। बट स्टिल एवरीथिंग गॉट एंडेड, सब कुछ खत्म हो गया, सब ये है वो है, बट दिस पर्सन इज स्टिल इन द मेंटल जेल काइंड ऑफ सिचुएशन। दे आर अनेबल टू कम आउट ऑफ दिस पेन ऑफ दिस यू नो, जो भी प्रॉब्लम इश्यूज जो भी हुआ था, कंफ्लिक्टिंग जो भी चीजें हुआ था, ओके, दे आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग नेगेटिव। उनके माइंड में ना कंटिन्यूअसली चीजें जो आ रहा है इस सिचुएशन को लेके, नॉस्टैल्जिक चीजों को लेके, पास्ट को लेके, जिस चीज को लेके ये रिश्ता आप दोनों के बीच में खत्म हुआ है, इस चीज को लेके कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में चल रहा है और वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। दे आर ट्राइंग के रीबर्थ हो, बट स्टिल दे आर अनेबल टू गेट आउट फ्रॉम दिस कंफ्लिक्टिंग स्टेट ऑफ माइंड। दे आर अनेबल टू सी एनी क्लियर पिक्चर और एनी फ्यूचर, ओके, आगे का कोई आउटकम भी वो देख नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टक है, कंटिन्यूअसली स्टक, एज इन जो भी पुराना चीज आप दोनों के बीच में हुआ है उसी को लेके कंटिन्यूअसली चल रहा है उनके दिमाग में। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस डेथ कार्ड। Why this death card is here? Why and why? Let's see. Okay. Okay. Wow, I got the clear picture now. Eight of Pentacles, Two of Cups, Five of Wands. Calm, career. Business अगर करते थे तो business. Job. Money. This was their only priority. आप priority नहीं थे उनका, okay? जो कि मुझे दिख रहा है, दो दे फील फेल्ट, अभी तो नहीं है, दे फेल्ट कि आप उनके लिए एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, आप उनके लिए, आप दोनों का जो कपल है वो बहुत खूबसूरत है इनिशियल डेज में, हाँ वो हनीमून फेज में वैसा होता है। हनीमून फेज का मतलब ये नहीं है कि शादी वाला, हम उसको हनीमून फेज बोलते हैं जब लोग पहले मतलब नया प्यार शुरू होता है, तब बहुत प्यार ज्यादा रहता है, तो ये उस टाइम का सीन है कि बहुत ज़्यादा आपको लगा होगा कि सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, यही मेरा सोलमेट है, सब कुछ मुझे खुल के बोलता है, सब कुछ प्रपोज करता है, दिल बहुत खूबसूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जितना दिन गुजरता गया, खास करके 8 महीने के बाद, आई थिंक रिलेशनशिप के 8 महीने से लेके 1 साल या 13 महीने के बाद जो हुआ, एक तरह से आपको समझ आने लगा कि इनके लिए आप प्रायोरिटी नहीं है, इनके लिए जॉब, मनी, ये सब चीजें प्रायोरिटी है। उनका करियर, उनका पैसा, उनका फाइनेंस, वर्क, काम, आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं देते थे, वो सिर्फ बाकी चीजों में लगे रहते थे, और इस चीज को लेके आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा फाइट, कंफ्लिक्ट, झमेला, बहुत कुछ हुआ। हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ऑफिस पीपल एंड ऑल, जो कि इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है कि ये जो इंसान है ये बाकी लोगों को प्रायोरिटाइज ज्यादा करते थे, हो सकता है इस जॉब रिगार्डिंग ही सही, ओके, सपोज उनका एक कोई बिजनेस पार्टनर है या उनका टीम है ऑफिस में या ये वो, तो वो उसी सिर्फ काम को लेके ही परे हुए थे, उनको ज्यादा फोन कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादा मीटिंग हो रहा है, उनके साथ ज्यादा बात हो रहा है, वो सब टीम्स मेंबर्स के साथ, लोगों के साथ, बट आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे थे, आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, दे टुक यू फॉर ग्रांटेड, ओके, इसी चीज को लेके इशू हुआ एंड आज ये ब्लॉक में चला गया। बहुत बहुत झमेला हुआ है कंटिन्यूअसली, अभी भी जो डेथ कार्ड का ही ये एक्सप्लेनेशन है, तो ये जो झमेला
जो है ना वो अभी भी इनके दिमाग में चल रहा है और अभी भी बहुत सारे लोगों से वो घिरे हुए हैं, इश्यूज खत्म हुआ नहीं है अभी तक। ओके लेट्स सी। ओके सो हम उनका अभी डीपर फीलिंग चेक करेंगे। ओके आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करूंगा, ट्राई करूंगा डिफरेंट, होपफुली सही जाएगा। लेट्स सी देयर डीपर डीपर डीपेस्ट फीलिंग। ओके क्या है? डीपेस्ट फीलिंग में क्या है देखते हैं करेंटली। हाँ दिस इज ओनली फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पीपल। सो प्रॉपर जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है बिल्कुल, आपको आपके पास कोई इंफॉर्मेशन कोई। ओके वी गॉट द कार्ड्स। ओके या अब मैं ये लाइन बोल देता हूं, ये एक्चुअली हुआ है। ओके सो आप सभी का फेवरेट लाइन, मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। ओके सो उनका डीपर फीलिंग द स्ट्रेंथ कार्ड, द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स। दे आर गैदरिंग देयर स्ट्रेंथ, वो दे आर स्टिल होल्डिंग बैक देयर इमोशंस। होल्डिंग बैक के अलावा मेरे को दिख नहीं रहा है कि कोई ऑप्शन है, बिकॉज वो अभी भी बाकी लोगों से घिरे हुए हैं, बाकी लोगों को ही अभी भी सर्व करते जा रहे हैं, अभी भी उनके लिए बाकी लोग ही प्रायोरिटी हैं। तो उनका जो इमोशन है वो अभी भी होल्ड पे है, बट दे आर ट्राइंग टू गैदर द स्ट्रेंथ सो दैट वो बैलेंस आप दोनों के बीच में, या फिर जो भी उनका नहीं आपको लेके ही अभी तक आपको लेके ही चल रहा है। हम आगे जितना देखेंगे हम चेक करते जाएंगे कोई नया इंसान के साथ भी अगर वो कनेक्टेड हो रहे हैं या ऐसा कुछ, अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। दे आर ओनली इन टू देयर फाइनेंस एंड स्टफ्स लाइक दैट एंड या सो जो बैलेंस आप दोनों के बीच में बिगड़ गया था वो बैलेंस वापस लाने का स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बैलेंस वापस ला रहे हैं, नो दे आर ओनली गैदरिंग द स्ट्रेंथ ताकि वो फ्यूचर में जाके वो बैलेंस ला सके और आपको प्रायोरिटी आपको प्रायोरिटाइज कर सके। यू आर नॉट देयर प्रायोरिटी, दे टुक यू फॉर ग्रांटेड, मैंने जो बोला वही निकला इधर, दे टुक यू फॉर ग्रांटेड एंड दे ब्लॉक्ड यू। ओके बट दे आर थिंकिंग अबाउट अनब्लॉकिंग ऑल्सो, दे माइट टेक स्टैंड फॉर themselves और द लव दैट यू बोथ हैव। उनके प्यार के लिए वो शायद एक स्टैंड लेंगे, भगवान करे ऐसा स्टैंड ले और जल्द से जल्द आप लोगों को अनब्लॉक कर दे। अभी पूजा का टाइम है, दुर्गा पूजा चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ शुभ शुभ हो। ओके आप लोग देखते हो मेरा चैनल और मेरा नाम शुभ शुभ बोलो है चैनल का, बट मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ शुभ शुभ ही हो, पॉजिटिव ही हो। ओके सो इफ दे टेक स्टैंड फॉर दिस लव आपको अनब्लॉक करें, देयर इज अ चांस ऑफ अनब्लॉकिंग, सो बट इट विल टेक टाइम। अभी स्ट्रेंथ दे आर ओनली गैदरिंग द स्ट्रेंथ नाउ, स्टिल होल्डिंग बैक। ओके उतना प्रिपेयर्ड नहीं है बट थोड़ा थोड़ा करके वो ट्राई कर रहे हैं ताकि, बट बाकी चीज़ें अभी तक उनको छोड़ा नहीं है, वो घिरे हुए हैं, फाइनेंस हो या जॉब हो या जो भी करियर हो या कुछ भी, अभी भी उन सब चीज़ों से ही वो उलझे हुए हैं, वो उन सब चीज़ों को इग्नोर कर नहीं पा रहे कि आपको वो इग्नोर करके आप पे फोकस करें, यही प्रॉब्लम हो रहा है। ओके लेट्स सी देयर इंटेंशन। ओके इंटेंशन एंड एक्शन सेम होगा ऐसा नहीं है, तो इंटेंशन इज द डिफरेंट थिंग, इंटेंशन इज द विश द चाहत, बट हकीकत कुछ और हो सकता है, आउटकम एक्शन और कुछ और ही हो सकता है। इंसान का मन इंसान का थिंकिंग अलग लेवल पे होता है हमेशा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हर इंसान अलग है, बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, हर एक का पार्टनर अलग अलग किस्म का है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज समवन फ्रॉम द आउटसाइड। स्टिल हम लोग देखते हैं जितना हो सकता है और भगवान की कृपा से सब कुछ रेजोनेट भी करता है, आप लोग जो मेरे को कमेंट्स में बोलते हो मैं देखता हूँ, तो लेट्स सी होपफुली सब सही होगा। इंटेंशन लेट्स सी
मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स द स्ट्रेंथ कार्ड अगेन वंस मोर डबल कंफर्मेशन. बॉटम ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स. अपना जो ये टूटा हुआ दिल है, अपना जो हार्ट ब्रेक है, अपना जो रूडनेस है, अपना जो भी होल्ड बैक किस्म का ये जो नेचर है उनका, इस नेचर से वो चाहते हैं कि वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ गैदर करके बाहर आ सके और लव लाइफ में बैलेंस ला सके. उनके आई थिंक दे आर ऑल्सो मिसिंग द लव फैक्टर इन देयर लाइफ. बिकॉज एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा कैरियर 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 और सिर्फ कैरियर, अपना बिजनेस, अपना फाइनेंस, इन सब चीज़ों में जब उलझ जाता है ना, तो उनके उनका जिंदगी जिंदगी नहीं रहता. ओके वहाँ पे अगर जब तक लव सिचुएशन नहीं आता, यहाँ पे ये इंसान आई थिंक मिसिंग द लव फैक्टर विथ यू. अगेन आपका ही यहाँ पे दिख रहा है. दो देयर इज अ चांस ऑफ थर्ड पार्टी, बट दिस थर्ड पार्टी कुड बी देयर जॉब, देयर वर्क, देयर कैरियर. ओके और कुड बी फैमिली ऑल्सो और ऑफिस पीपल. इस तरह का थर्ड पार्टी है. रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे नहीं लगता कुछ है, बट जो जो मैंने बोला हो सकता है उस तरह का कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे कि वो छुटकारा पाना चाहते हैं और आपको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं. इट्स ओनली चाहना, इंटेंशन, वो चाहते हैं. बट ओनली दे आर गैदरिंग द स्ट्रेंथ, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्फ, बट कितना क्या करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे. लेट्स सी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसे हैं. लेट्स सी अभी आप लोग अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, शफलिंग पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपका एनर्जी जो है वो चेक करने वाले हैं. ओके got the card. Oh, okay. It's a reverse card. Yeah. Okay. So, 10 of Pentacles, 2 of Cups, the Devil, and Knight of Cups. Okay. You are still very obsessed with this person. आप इस इंसान को भूलने की कोशिश तो कर रहे हैं बट आप भूल नहीं पा रहे हैं. वेरी ऑब्सेस्ड, वेरी अट्रैक्टेड, स्टिल आपके अंदर. भले ही वो इंसान कितना भी ख़राब है, भले ही वो इंसान कितना ही टॉक्सिक है, भले ही उस इंसान ने आपको एक तरह का कठपुतली की तरह, पपेट की तरह यूज़ किया है, या फिर आपको ग्रांटेड लिया था, आपको मतलब नॉमिनल बेयर मिनिमम्स दिया था, बट फिर भी यू स्टिल फील द सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन विद दिस पर्सन, बट यू आर अनेबल टू सी द फैमिली और द फ्यूचर विद दिस पर्सन. आप इस इंसान को अपना सोलमेट तो मान रहे हो, आपको पता भी है कि ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान गलत है, और इस इंसान के साथ फैमिली लाइक कुछ होने का फ्यूचर में भी आपको चांसेस उतना दिख नहीं रहा है. यू आर अनेबल टू सी दैट कि देयर कुड बी अ फैमिली, हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक फुलफिलमेंट रहेगा, खुशी रहेगा, हमारा एक खुद का घर होगा, ऐसा कुछ ऐसा भी आपको लग नहीं रहा है, बट स्टिल यू डू फील कि ये इंसान मेरा सोलमेट है. वाओ एंड वेरी अट्रैक्टेड, आप अभी भी अट्रैक्टेड हो, अटैच्ड हो इस इंसान से, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं. अभी भी अगर ये इंसान आपके पास आता है कोई प्रपोजल लेके, तो शायद आप इनको हाँ भी कर दो. You are okay with the reconciliation, but provided कि आपको properly give and take आप दोनों के बीच में हो, equal give and take हो. Okay? अगर वैसा होता है, वो ऐसा commitment देता है आपको, तो शायद आप okay हैं. Even if, क्योंकि आपको शायद ऐसा लगता है कि इंसान अच्छा बुरा दोनों type का होता है, खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, but भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पार्टनर मेरा देवता या देवी है. ओके इट्स अ सॉन्ग, थोड़ा सा मैंने चेंज किया. नहीं तो कॉपीराइट. ओके सो भला है बुरा है, एक बार और मुझे अच्छा लगा ये लाइन, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पार्टनर मेरा देवता या मेरी देवी है. वाह वाह. ओके Anyways, it's a very sweet thing. आप इतना प्यार करते हो, अच्छा लगा मुझे that you are adjusting. आपका दिल बहुत खूबसूरत है,
साफ दिल के हैं कि आप किसी का फॉल्ट भी माफ़ करने के लिए तैयार हो, दैट्स अ गुड क्वालिटी दैट यू हैव, बट बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं. ओके, आपको थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना होगा. मैं मजाक में बोला वो चीज़, बट एक्चुअली आपका एनर्जी वैसा ही है, बट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है. आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते, आप अच्छा ही सोचते हो. ओके, उसका जो भी बुराई है उस बुराई को आप देखते नहीं हो, उसको आप एक तरह से उसको उसकी अच्छाई ही ज़्यादा देखते हैं. आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में बहुत पेनफुल होता है. मेरे ये सब जोक्स सुन के थोड़ा बहुत मुस्कुरा लीजिएगा. होपफुली आपको आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरा रीडिंग देखे पॉजिटिव फील आएगा. मैं जानता हूँ कितना पेनफुल होता है, मैं जानता हूँ. नो कॉन्टैक्ट इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन. लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. लेट्स सी. ओके ओके, 1 2 3. ओके, अच्छा एक और चीज मैं आज बोलूंगा वीडियो के एंड में है, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो तक. एक चीज पूछना है आप लोगों से, वो कमेंट्स में आप बताइएगा मुझे. Let's see the action. Okay. Okay. Yeah. Okay. Good. So it's a good news. Okay. The lovers, nine of pentacles, hanged man, and the fool card, और उसके नीचे queen of cups. बट द मून कार्ड इज ऑल्सो देयर. ओके, सो बेसिकली आपके पार्टनर, उनका ये जॉब मनी करियर इस रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले, जो कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में. मेरा रीडिंग कभी ब्ला ब्ला ब्ला. सो मैंने बोला था कि दे आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग सम एक्शन, थिंकिंग अबाउट के किस तरह से ये बैलेंस वापस लाया जाए आप दोनों के बीच में. तो दे आर वेरी टेम्प्टेड ऑल्सो आपको लेके. ओके, रिश्ते को लेके, लव को लेके. मैंने बोला कि दे आर मिसिंग दैट लव फैक्टर. भले ही दे आर गेटिंग सक्सेसफुल इन देयर करियर, भले ही दे आर गेटिंग सक्सेसफुल इन देयर जॉब लाइफ और बिजनेस लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ, बट स्टिल द लव फैक्टर इज मिसिंग. ओके, सो दे आर मिसिंग दैट टेम्पटेशन, दे आर मिसिंग दैट केमिस्ट्री, दे आर मिसिंग दैट सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, दे आर मिसिंग लव. ओके, इन देयर लाइफ. सो इस लव रिगार्डिंग दे विल टेक अ बिग डिसीजन. ओके, अब ये डिसीजन क्या है? ये डिसीजन है बैलेंस, अपना करियर और अपना लव, इन दोनों को बैलेंस करने का एक डिसीजन वो लेंगे. यूजुअली वो इस तरह के इंसान नहीं है. ओके, जब वो प्रायोरिटी देते हैं किसी को तो सिर्फ उसी की तरफ झुक के रहते हैं, बाहर वाले इंसान को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते. आपके साथ यही सिचुएशन हुआ है, बट दिस टाइम दिस पर्सन इज लाइक के नो, आई थिंक आई शुड थिंक अबाउट दिस सिचुएशन फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स, ऑल द साइड्स, एंड आई शुड टेक. दे आर सरेंडरिंग देमसेल्व्स टू द यूनिवर्स, दे आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स. ओके, थोड़ा सा रिस्की एक डिसीजन ले, उनके लिए ये चीज रिस्की है कि काम के बीच में आपको प्रायोरिटाइज करना. काम के बीच में क्या होता था, काम के बीच में ऐसा अभी एनर्जी के थ्रू मेरे इंट्यूशन में आया, वो कैच किया तो मैं बोलता हूँ. हो सकता था कि काम के रिगार्डिंग तब आपका खबर नहीं लेते थे, आपको फ़ोन नहीं करते थे, आपका वैल्यू नहीं देते थे. ओके, जब काम करते थे, बट राइट नाउ दे आर इन द दे आर थिंकिंग कि ऐसा कर सकता हूँ मैं या कर सकती हूँ मैं, कि चलो एक बार पूछ लूँ कि ये इंसान कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, ड्यूरिंग देयर वर्क ऑल्सो आपके बारे में थोड़ा ख्याल रखने का. ये चीज़ उनके लिए रिस्की है बिकॉज दे आर नॉट यूज टू इट, बट दे विल टेक दिस डिसीजन कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बिकॉज दे आर फीलिंग लव्ड, बिकॉज दे आर फीलिंग के कुछ मिसिंग है, एक इमोशन मिसिंग है अब मेरी जिंदगी में. वाओ, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट कडल, आई वॉन्ट पैम्पर, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी कोई चाहिए जो कि मुझे मेरा ध्यान रख सके. लुक हाउ केयरफुली दिस पर्सन इज लुकिंग एट द कप. सो इतना ही ध्यान से जैसे आप करते थे, मैंने बोला आपका दिल बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे इंसान हो, तो आप शायद इतना ही केयर करते थे इस इंसान का, एंड दे वॉन्ट दिस बैक इन देयर लाइफ. सो दिस रिगार्डिंग दे विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन,
ओके, इट माइट टेक टाइम बिकॉज हैंगमैन है, इट माइट टेक टाइम, वो थोड़ा सोचेंगे, बट दे आर सरेंडरिंग, दे आर सरेंडरिंग देयर थॉट्स टू यूनिवर्स, ताकि यूनिवर्स उनको गाइड कर सके, और दे आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स. सो एक साइड काम भी चलेगा, एक साइड परवाह भी होगा, प्यार भी रहेगा. इस तरह का एक एक्शन हो सकता है. ओके, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी. भगवान करे ऐसा ही हो. माँ दुर्गा, देवी शक्ति, डिवाइन फेमिनिन, और बाकी जो भी देवी देवता हैं, मैं चाहता हूँ जिनको भी आप मानते हो, वो आपको ब्लेसिंग्स दे, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सच में हो ऐसा. ओके, अनब्लॉक हो जाए सभी का, फिर से बातचीत हो जाए, सभी खुश रहे. और क्या चाहिए ज़िंदगी में, लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतना सफ़र करते हैं. एक ब्लॉक कर दिया बस रिश्ता ख़त्म. कोई कोशिश करने के लिए ही तैयार नहीं है कि हम रिश्ते को ठीक करें, थोड़ा सा यू नो, थोड़ा उस पर मेहनत करें. नोबडी इज़ विलिंग टू डू दैट. सभी अपना ईगो, क्यों वो क्यों नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूँ, वो क्यों नहीं कर. दिस इन सम सिचुएशंस कुछ चीज़ें सही भी है, क्योंकि हमेशा एक तरफा भी सही नहीं है कि एक ही साइड से सिर्फ इनपुट्स आ रहा है, सामने वाला कुछ कर नहीं रहा है. बट कभी कभी करना चाहिए सामने वाले को भी, थोड़ा बहुत एफर्ट्स देना चाहिए. ओके, लेट्स सी द टाइम फ्रेम. या ओके, सेवन टू एट वीक्स. ओके, या फिर ओके, या सिक्स सेवन टू एट वीक्स. ओके, सिक्स सेवन टू एट वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है. माय गॉड, इसके पहले ये था और इसके नीचे देर इज अ चांस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन. कॉन्ग्रेचुलेशन, आई होप कि मेरे मुंह से निकल रहा है तो सच हो जाए, भगवान करे. बट ये सिचुएशन सभी के साथ रेजोनेट ना भी कर सकता है. जिनके साथ कर रहा है बहुत ज़्यादा, हो सकता है देयर इज़ अ चांस कि इस जो टाइम फ्रेम मैंने बोला उस बीच में कुछ हलचल हो सकता है. ओके, उस इंसान की तरफ से कुछ हाई हेलो भी हो सकता है, या वो रीच करने की कोशिश भी कर सकते, कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है रीच करे ना करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट दे माइट ट्राई टू अनब्लॉक यू, वो भी हो सकता है कि कोशिश करेंगे आपसे कम्युनिकेट करने का, आपसे बात करने का, रिकॉन्सिलिएशन करने का. वेरी गुड. सो सिक्स टू सेवन टू एट मंथ्स, इसके बीच में ही होगा. सॉरी, वीक्स, नॉट मंथ्स, नॉट. अच्छा, मेरे मुंह से अगर मंथ्स भी निकला है, कुछ लोगों के लिए मंथ्स हो सकता है, एक बार निकल गया है चैनलाइज होके, तो हो सकता है कि सिक्स टू सेवन टू एट मंथ्स, या फिर सिक्स टू सेवन टू एट वीक्स, ज्यादातर वीक्स, कुछ लोगों के लिए मंथ्स. ओके, लेट्स सी साइंस. आपके पार्टनर और आप कौन से साइन के हो सकते हैं, ये साइंस जो मैं बोलूंगा, हो सकता है आपका साइन है, हो सकता है आपके पार्टनर का साइन है. ओके, जिसका भी साइन है वो ठीक है, बट जिनका साइन यहाँ पे नहीं आता है, प्लीज़ मन खराब मत कीजिएगा. अभी का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो ये आपका रीडिंग है, भले ही साइंस ना आए. ओके, हैवी फायर साइंस एंड हैवी एयर साइंस. ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, सो हैवी फायर साइंस एंड एयर साइंस, फायर एंड एयर, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या गाइडेंस है. गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. All right. Wow. Yeah. Wow. मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होता. See, जो मैंने आपके पार्टनर का
एकदम शुरू में जो करेंट जनरल एनर्जी बोला था, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस में है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, रिमेंबर द डेथ कार्ड अगेन, पेज ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देयर इज अ चांस ऑफ अ पैशनेट बिगिनिंग, एक नया शुरुआत फ्रॉम दिस पर्सन, एक रीबर्थ होगा आपको आपके रिगार्डिंग, और एक नया शुरुआत, एक पैशनेट किस्म का बहुत खूबसूरत सा शुरुआत होगा, एंड दिस पर्सन माइट कम टूवर्ड्स यू विद अ प्लेफुल एनर्जी आफ्टर अ वाइल, अभी नहीं बट आएगा, शुरुआत तो होगा चीज का, किसी चीज का, बट अभी भी इनके अंदर थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी भी है, ओके, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, सोच समझ के आगे बढ़िएगा, अगर आता भी है ये इंसान तो बी केयरफुल, उतना ज़्यादा मतलब हड़बड़ी में कुछ मत कीजिएगा, हाँ थोड़ा टाइम दीजिएगा एक दूसरे को सही तरीके से, उसके बाद, बट दिस पर्सन देयर इज़ अ चांस ऑफ रीबर्थ एंड दिस पर्सन टू कम, ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, ऑफ अ न्यू पैशनेट शुरुआत। आपका राजकुमार या राजकुमारी आ रहा है घोड़े में, ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, इट्स अ डबल कन्फर्मेशन, वो उनका एनर्जी था, अभी एनर्जी चेंज होके अच्छा हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, और ऐसा अगर होता है तो मेरे को गिफ्ट्स भेजो, मेरे को चॉकलेट्स खिला, आई वांट डाइट, ओके, एनीवेज जस्ट किडिंग, सिर्फ ब्लेसिंग्स दीजिएगा, प्यार दीजिएगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि शायद आपका सही हो जाए, बट बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टिल इसी दौर से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा, आप अकेले नहीं हैं, ओके, सो या, सो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा, हमेशा बोलिएगा कि वीडियोस कैसा आ रहा है, कैसा जा रहा है वीडियोस, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके, क्योंकि आप लोग जितना मेरे साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा ही आई विल फील गुड कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग देखते हैं मेरा रीडिंग, थोड़ा सा फैन टाइप का फील भी आता है, अच्छा लगता है वो, सभी को ही अच्छा लगता है वो चीज़, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ओके, जो चीज़ मैं पूछने वाला था आप लोगों को, दैट दिस इज़ द ओरिजिनल ऑथेंटिक टैरोट रीडिंग विच आई डू, समटाइम्स बहुत सारा मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि अलग तरह का कुछ ओरेकल रीडिंग्स करने का, ओके, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोला है मुझे अलग से कि आप टैरोट के साथ साथ ओरेकल कीजिए, ओके, टैरोट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक, वेरी वेरी ऑथेंटिक ट्रेडिशनल और एक्यूरेट थिंग, टैरोट का पूरा चीज़ मेरे पावर के ऊपर निर्भर करता है, यूनिवर्स के पावर के ऊपर निर्भर करता है, आप लोगों का एनर्जी के ऊपर, पावर एज एन एनर्जी, उन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करके फिर कार्ड्स निकलता है, आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से फ्लो होता है एंड क्या, बट ओरेकल हैज़ इट्स ओन मैसेजेस, इट्स नॉट दैट ऑथेंटिक एज टैरोट, इट इज़ लाइक अ मैसेज, बट वो हम लोग भी शफल करके ही निकालते हैं, बट इट डजंट हैव दैट मच ऑफ पावर, इसका उतना नहीं है, जो भी मैसेज आता है वो एक तरह का मैसेज गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं, तो आज आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि डू यू वांट टू स्टिक विद दिस ऑथेंटिक टैरोट रीडिंग ओनली, और मैं टैरोट के साथ ओरेकल भी कभी कभी कंबाइन करके आपको रीडिंग दूं, तो ये आपके ऊपर मैं ये डिसीजन छोड़ता हूं, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू कि ओरेकल इज़ अ कार्ड जो कि थोड़ा सा नॉट दैट ऑथेंटिक और नॉट दैट पावरफुल टैरोट जितना, टैरोट इज़ मच पावरफुल क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, बट ओरेकल उतना नहीं है, इसमें कुछ मैसेजेस होता है या कुछ सिंबल्स होता है जो कि देख के हम लोग बोलते हैं, बट इट डिपेंड, अलग अलग किस्म का ओरेकल्स होता है, लव ये वो, तो उस हिसाब से वो चीज़ चलता है, तो आप लोग मेरे को बताइएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, दो ही मैं प्योर टैरोट रीडिंग में उसको कंबाइन करूंगा, या फिर वीक्स में हो सकता है कि एक दो रीडिंग में जो कि लव रीडिंग्स या नो कॉन्टैक्ट्स होगा उसमें मैं कंबाइन करूंगा, हर रीडिंग में नहीं, दो दिन ओरेकल रहेगा, टैरोट प्लस ओरेकल इस तरह का भी मैं कर सकता हूं, या फिर सिंपल ओरेकल के लिए सेपरेट एक छोटा सा एक मैं वीडियो ला सकता हूं, तो व्हाटएवर इट इज़ आप लोग अपना डिसीजन मुझे बताइएगा इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे, एंड ऑब्वियसली कैसा लगा वो मुझे बोलिएगा आज का वीडियो, सो या, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर जो मैंने पूछा अभी आपको, और पूजा प्लान्स, फेस्टिव प्लान्स एंड दुर्गा पूजा, नवरात्रि प्लान्स, वो भी मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बोलिएगा कि कैसा
क्या प्लान्स है आपका। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज एंजॉय, हैव फेथ। आप सभी का पूजा बहुत अच्छी तरह से गुजरे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।